असमानता, प्रधानमंत्री जी से मिलना एक शिष्टाचार भी है और छत्तीसगढ़ में आए उन्हें बहुत दिन हो गया, हम सब मिलकर उन्हें आमंत्रित करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। ये पीडीएस लेकर आपने पत्र लिखा है, नंबर भी सीबीआई जांच की मांग की आपने पीयूष गोयल से। पीडीएस में जिस व्यापक तरीके से गरीबों का चावल खाया गया है, 68,000 मेट्रिक टन चावल का आता पता नहीं, जांच एजेंसी कुछ बता नहीं पा रही है, जांच में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्या हुई, जब्ती कितनी हुई, वसूली कितना हुआ, कितने फूड इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई, डायरेक्टरेट के किस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई, ये पूरा ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का मामला है। जब इतने व्यापक तौर में 600 करोड़ रुपया की अफा तरफी हुई है और जब यहाँ विधानसभा में प्रश्न के बाद भी कार्रवाई नहीं किया, तो हमने फूड मिनिस्टर को सीधा कहा है कि इस मामले को संज्ञान में लें, गरीबों का चावल यदि कोई खा रहा है तो इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये जसपुर में जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई है, परिवार ने आत्महत्या किया, क्या कहेंगे उसका? प्रदेश में किसी भी भ्रष्टाचारी के यहाँ घर छापा पड़े तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने आती है। यह दुर्भाग्य के विषय है कि इस प्रतिक्रिया में वह भ्रष्टाचार का विरोध नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों के समर्थन करते दिखते हैं और जांच पर सवाल उठाते हैं। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की बदौलत एक परंपरा चल पड़ी है कि जिसके घर भी छापा पड़ता है वो व्यक्ति शर्म से झुकने की जगह सीना चौड़ा करके चलता है, जैसे इन छापों में छत्तीसगढ़ की छवि पर चार चांद लगा दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की आत्मविश्वास बढ़ा है। जहाँ तक सवाल है प्रदेश में चल रही ईडी की कार्यवाही का, ये पूर्व में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा छापे में प्राप्त दस्तावेज के आधार पे ये आगे की कार्यवाही है और मुझे लगता है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण बन के सामने आते हैं और ईडी को धमकी देने लगते हैं तो उनकी जांच और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने लगते हैं, तो लगता है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसी जिसके पूरे हिंदुस्तान में विश्वसनीयता है उनके जांच पर शंका करना उचित है। जब जब इस सरकार पर जांच का घेरा कसने लगता है तब भूपेश बघेल नान मामले में सीएम मैडम का नाम निकाल लेते हैं। मैं उन्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आपके गठित एसआईटी, भूपेश बघेल सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने ही अपने जांच रिपोर्ट में साफ लिखा था कि सीएम का मतलब चिंतामणि हैं। अब या तो भूपेश बघेल इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ी या वो जानते हुए भी जनता के सामने झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनके ही सरकार के स्टेटस रिपोर्ट है और स्टेटस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, जो रिपोर्ट के आधार पर मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट रूप से कहा गया है, कार्यालय में सीएम चंद्राकर को सीएम सर के नाम से बुलाया जाता जाना एवं लेन देन संबंधी जब्तशुदा दस्तावेज में लिखे नाम में सीएम सर का आशय सीएम चंद्राकर होना बताया जाता है। कार्यालय में सीएम चंद्राकर को सीएम सर के नाम से बुलाया जाना एवं लेन देन संबंधी जब्तशुदा दस्तावेज में और अपना दर्द बयां करें, बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों से जब्ती हुई है, संपत्ति ईडी को बताना चाहिए और ईडी जब्त किया है तो बताएगा ना भाई क्या हड़बड़ी है, दस्तावेज तो पेश होगा, न्यायालय में जाएगा, इसमें काहे चिंता कर रहे हैं। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, इस कानून और प्रक्रिया से सब होता है और ये सारी प्रक्रिया से चल रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं। वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा षड्यंत्रपूर्वक ये काम करवा रही है, कि छापा भाजपा करवा रही है। ईडी और भाजपा का क्या लेना देना, और छत्तीसगढ़ के भाजपा या केंद्र के भाजपा से, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जहां उनको पुख्ता जानकारी मिलती है और आईटी डिपार्टमेंट जब अपनी पूरी कार्रवाई कर लेता है और पूरे उनके पास दस्तावेज प्रमाणित आ जाते हैं उसके बाद ये कार्रवाई करती है। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी,
अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।